गोरखगिरी को जीतने के बाद महाराज खाराबेल्ट पाटलिपुत्र की तरफ अपना रोध दौड़ाते हैं, पर इसी बीच ग्रीक का राजा डेमेट्रियस मगध पर हमला कर दिया एवं मथुरा को कब्जे लिया। जैसे ही ये खबर महाराज खाराबेल्ट को मिलता है, महाराज खाराबेल्ट गुस्से में आग बबूला हो गए, क्योंकि महाराज खाराबेल्ट का मानना था कि कलिंग एवं मगध के बीच विवाद दो भाइयों के बीच विवाद है, पर दोनों का माँ भारत ही है, इसलिए वो ग्रीक राजा का मगध पर कब्जा को कलिंग के अपमान की तरह देखे और बोले, कुत्ता बिल्ली पाल लेना गलतफहमी मत पाना, तुमने इन मासूम लोगों को बहुत डरा, घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डला के यहाँ नहीं वरना माजूसी भी बनना है, जलाने के लिए मेरा तेवर काफी है। इसके बाद महाराज खाराबेल्ट मथुरा के तरफ अपने रथ दौड़ाए। जैसे ही ये खबर ग्रीक के राजा डिमेट्रियस को मिला, वो मथुरा छोड़ के भागने लगा और महाराज खाराबेल्ट उसको अफगानिस्तान तक पीछा किया। जब महाराज खाराबेल्ट मगध में पहुंचते हैं, तब मगध के राजा बृहस्पति मित्र महाराज खाराबेल्ट के सामने अपना हथियार डाल देते हैं। मगध कलिंग युद्ध में जो कलिंग के साथ बर्बरता कृत्य किया था मगध ने, उसके लिए वो राजा खाराबेल्ट को माफी भी मांगते हैं एवं ग्रीक के राजा डिमेट्रियस से मगध को बचाने के लिए उनका शुक्रिया भी करते हैं।